विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर के पीछे पहाड़ी पर बने प्राचीन तारा देवी मंदिर के पास एक रेन शेल्टर में एक लावारिस का शव बरामद हुआ था। ये व्यक्ति जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से रेन शेल्टर में ही बीमारी की हालत में रह रहा था और इसके पास से कोई भी पहचान पत्र नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जिसके बाद इस व्यक्ति का शव गृह में रखा गया था ताकि यदि कोई इस व्यक्ति की जान पहचान का हो तो वे व्यक्ति के शव को शवगृह से ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन 2 दिनों के बाद भी जब मृतक की जान पहचान का कोई भी नहीं पहुंचा तो समाज से भी शांतनु ने मृतक को ज्वालामुखी शमशान घाट में हिंदू रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बक्लेश्वर महादेव के घाट ब्यास नदी में उनकी अस्थियों को बहाया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस कार्य के लिए उनके साथ कलेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी विजय कुमार ने सहयोग दिया। आपको बता दें कि समाज से भी शांतनु कुमार वे शख्स हैं जो लावारिस मृतकों को अंतिम संस्कार करते हैं व मृतकों की आत्मा की शांति के लिए उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करते हैं। वे अभी तक 1117 मृतकों का अंतिम संस्कार कर उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर चुके हैं। इस दौरान समाज सेवी शांतनु कुमार ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर के पीछे पहाड़ी पर बने प्राचीन तारा देवी मंदिर के पास एक रेन शेल्टर में पुलिस को एक लावारिस का शव बरामद हुआ था, जिनका ज्वाला जी के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया व उनकी अस्थियों को कलेश्वर महादेव के घाट ब्यास नदी में बहाया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हरिद्वार में बहुत सख्ती है, जिसके कारण मृतक की अस्थियों को कलेश्वर महादेव के घाट ब्यास नदी में ही बहाया गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को कहीं पर भी कोई लावारिस शव मिलता है तो वे उनके मोबाइल नंबर 9418096502 पर संपर्क करें ताकि मृतक व्यक्ति की दिवंगत आत्मा की गति की जा सके। ज्वालामुखी मंदिर में जो लावारिस डेड बॉडी पाए गए थे उनका आज विधिवत आज कलेश्वर महादेव की घाट में ब्यास नदी की किनार में ब्यास नदी में आज उनकी उन दिवंगत आत्मा की आज विसर्जन किया गया उनके गति के लिए, उनका आत्मा की शांति के लिए। साथ में हमारे पंडित जी इन्होंने भी बड़े सहयोग दिया, विजय कुमार जी कलेश्वर महादेव मंदिर की पुजारी है। साथ में इस मिशन लावारिस में आज इतना लंबे सफर जो आज तय हुआ है और इतने साल में आज हमारे साथ एक महान व्यक्ति जुड़े हुए हैं, वो हमारा अनिल चौहान जी, जिन्होंने आज अपने सहयोग दिया और इस दिवंगत आत्मा को कलेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचाने के लिए अपने सहयोग दिया, अपने कीमती समय दिया। मैं उनका धन्यवाद करूंगा और लोगों से अपील रहेगा ऐसे कोई भी लावारिस पाए जाते हैं मेरा मोबाइल नंबर 9481856502 पर संपर्क करके उसको भेजने की कृपा करें ताकि उनकी दिवंगत आत्मा की गति की जा सके। धन्यवाद।